बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर के प्रॉब्लम रिव्यू से एमसीक्यू को कवर कर लिया था, तो वो पार्ट वन वीडियो था। पहले आप उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको ये वीडियो सही तरह समझ आएगी। तो पार्ट टू से स्टार्ट करते गए, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते गए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लिखा हुआ है कि नेक के अंदर फुलनेस है, 3 kg वेट लॉस ओवर द पास्ट 3 मंथ है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि फर्म फिक्स्ड मास इन द 3×5 cm द राइट साइड ऑफ द नेक है। मास सॉलिड इन्फिल्ट्रेटिंग है, राइट लोब ऑफ थायरॉइड के अंदर है। बायोप्सी की गई और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऊपर फिगर में बताई गई है। ओके, और इसके अलावा अब क्या पूछ रहा है कि ऑल एरियाज ऑफ ट्यूमर है सिमिलर मॉर्फोलॉजी है, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। ओके, ठीक है, ऑल एरियाज ऑफ द ट्यूमर हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजी है। दो सेल इस डायग्राम के अंदर शो किए गए आपको सही तरह विजिबल नहीं होंगे। जो सेल होते हैं इसमें प्लियोमॉर्फिज्म है, मे भी अगर आप इन चीज़ों को विजुलाइज करो तो ये हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे। ये वाला हाइपरक्रोमेटिक है, ये हाइपरक्रोमेटिक है। ओके, प्लियोमॉर्फिज्म है मतलब आप सेल की इतनी ज़्यादा वेरिएशन आप इनको कर ही नहीं सकते, आप इनके सेल ऑफ ऑरिजिन का पता चला नहीं सकते। ओके, ठीक है, जो सेल होते हैं फिगर के अंदर वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, एनाप्लाज्म को, एनाप्लास्टिक को। तो उसमें प्लियोमॉर्फिज्म होता है, वेरिएशन होती है सेल के साइज के अंदर, शेप के अंदर होती है, हाइपरक्रोमेटिज्म होता है। ओके, इसके अलावा आपको ये बड़ा मुश्किल होता पता चलाना कि सेल ऑफ ऑरिजन क्या है, क्योंकि हमें कोई डिफरेंशिएशन पता नहीं चलती। बिजार ट्राइपोलर माइटोटिक फिगर्स होते हैं। ओके, बिजार ट्राइपोलर माइटोटिक फिगर्स होते हैं। और जो डिग्री ऑफ एनाप्लेजिया होता है इसको क्या बोलते हैं, एनाप्लेजिया कार्सिनोमा। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, एनाप्लास्टिक होगा। बाकी एपोप्टोसिस, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेस्टिक और वेल डिफरेंशिएटेड ये हो नहीं सकता। ओके, एपोप्टोसिस क्या होती है, सिंगल सेल की डेथ होती है, लेकिन यहाँ पे जो सेल नजर आ रही है वो वायबल है, फ्रेगमेंटेड नहीं है। डिस्प्लेजिया क्या होती है, चेंजेस इन द एपिथीलियम होती है। ओके, चेंजेस इन एपिथीलियम होती है, और ये प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन होती है, प्री नियोप्लास्टिक कंडीशन होती है। मेटाप्लेजिया आपने सेल इंजरी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप से रिप्लेस हो जाता है। ओके, फिर यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड है, जो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं ट्यूमर वो रिलेटिवली लेस एग्रेसिव होते हैं। ओके, और इनका जो ग्रोथ होता है काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तीसरा, ये अपने ओरिजन ऑफ या सेल ऑफ ओरिजन को रिजेंबल करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब पैप स्मेयर यानी सर्विकल एंटोप्लेजिया या सर्विकल डिस्प्लेजिया की बात कर रहे हैं। रूटीन हेल्थ एग्जामिनेशन में एबनॉर्मल है, एसिप्टोमेटिक है, हिस्ट्री है मल्टीपल सेक्स पार्टनर की, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऊपर वाले डायग्राम के अंदर है। अब जो माइक्रो एग्जामिनेशन वाले जो सवाल आते हैं ना, आई थिंक वो एग्जाम इतने आते नहीं है कॉमन। ठीक है, ओके, लेकिन एक बात आप याद तैयार कर लेना कि जो पहली बात कि यूट्रस के अंदर डिस्प्लेजिया होता है, लेकिन डिस्प्लेजिया के कार्सिनोमा इन्सिटू हो सकता है। जो कार्सिनोमा इन्सिटू होता है वो आगे प्रोग्रेस कर सकता है किसकी तरफ, टिपिकल फुल फ्लैश कार्सिनोमा की तरफ आ सकता होता है। ओके, अब यहाँ पर जो एपिथीलियल सेल्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर जो न्यूप्लाज्म है वो अंडरलाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता हुआ नीचे की तरफ आ गया, यानी यहाँ पर इन्वेजन नजर आ रही है। जो इन्वेजन होती है ये प्रॉपर्टी होती है कार्सिनोमा की। ओके, ठीक हो गया। ओके, जो एक्टोसर्विक्स होते हैं और जो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है एंडोसर्विक्स का, वो आगे डिस्प्लेजिया करवा देगा। डिस्प्लेजिया की वजह से स्क्वेमस और कार्सिनोमा आ सकता है, यानी क्या हो गया पहले, या एक्टोसर्विक्स है और इसके साथ एंडोसर्विक्स का स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, एंडो सर्विक्स का। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से डिसप्लेजिया आगे प्रोसीड करेगा कार्सिनोमा इन सीटू, और जब कार्सिनोमा इन सीटू बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा और ये स्ट्रोमा के अंदर भी आ जाएगा, तब ये कहलाएगा फुल फ्लैश कार्सिनोमा। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक दिया हुआ ऑप्शन, एडिनोकार्सिनोमा। जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, एडिनोकार्सिनोमा ऐसा कैंसर होता है जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर से डिराइव्ड होता है। ठीक हो गया, लाइक वो एंडोसर्विक्स का हो सकता है, एंडोमीट्रियम का हो सकता है, लेकिन जो एडिनोकार्सिनोमा होता है वो एक्टोसर्विक्स का कभी भी नहीं हो सकता। रट्टा मार लो, एडिनोकार्सिनोमा एक्टोसर्विक्स का नहीं होगा। ये स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर भी पड़ेगा। जो डिसप्लास्टिक एक्सचेंज होती है वो पहले कार्सिनोमा इन सीटू को प्रीसीड करती है, यानी पहले डिस्प्लेजिया होगा फिर कार्सिनोमा इन सीटू है, जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन तक से पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन तक लिमिटर्स होगा। लेकिन अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए स्ट्रोमा के अंदर आ गया तब उसको कार्सिनोमा बोलेंगे। ओके, बाकी हिमाटोमा डिसऑर्गेनाइज मैस होते हैं, टिपिकल ऑरिजन ऑफ टिश्यू को रिजेंबल करते हैं। आगे मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो मेटाप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मेटाप्लेजिया में देखने को मिलती होती है। ओके, जो मेटाप्लेजिया होती है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकती होती है। नेक्स्ट
चलते हैं हम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है। अ 44 ईयर ओल्ड वुमेन फील पेनलेस लंप है, पेनलेस लंप है, डैट मीन्स कि किसी ना किसी कैंसर वगैरह को इंडिकेट करेगा, कैंसर वाले होते हैं। ओके राइट एग्जामिनेशन में राइट एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी है, जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है वो लिम्फ नोड के जरिए फैलता होता है। जो नोड्स थे पेनफुल थे लेकिन वो फर्म थे, तो विच ऑन द फॉलोइंग लीजन, तो लीजन क्या हो सकती है? ओके तो लीजन क्या हो सकती है? लोब्यूलर कार्सिनोमा की हो सकती है। ओके अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, इन्फ्लेमेशन में पेन होता है, लेकिन जो कैंसर है वो पेन लेस होते हैं। ठीक है तो लिम्फैटिक सपरेट होता है किसका? ब्रेस्ट के कैंसर का। ओके तो जो लिम्फैटिक सपरेट होता है वो ब्रेस्ट के कैंसर का होता है, लिम्फैटिक सपरेट होता है। ओके ठीक हो गया, लिम्फैटिक सपरेट है। और फिर आगे मेटास्टेसिस होता है, वहाँ इन्वेजन होता है, वहाँ किसी और दूसरे टिश्यू को इन्वेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे फाइब्रोएडिनोमा लिखा हुआ है, जो फाइब्रोएडिनोमा ये बिनाइन होता है, और जो बिनाइन होते हैं ये इन्वेजन और मेटास्टाइस नहीं करते होते। ओके ठीक हो गया। इसके बाद इन्फेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट एब्सेस है, जो इन्फेक्शन होती है इस केस में, जो मास्टाइटिस होगा यानी इन्फेक्शन ऑफ ब्रेस्ट है, इस केस में पेन होना चाहिए, लेकिन ऊपर पेन लेस बताया गया है। जो पेन होता है वो इन्फ्लेमेशन का कार्डिनल साइन होता है। जो सार्कोमास होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं? सार्कोमा सार्कोमा मिलने जाते हैं ब्लड के जरिए, हिमाटोजिनस रूट के जरिए फैलते होते हैं। ओके जबकि कार्सिनोमा लिम्फ नोड के जरिए फैलते होते हैं। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 69 ईयर ओल्ड वुमेन हैज एक्सपीरियंसड इंक्रीजिंगली मलेस एंड 10 kg वेट लॉस ओवर अ पास्ट ईयर। अब पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो गई है। ग्रॉस एग्जामिनेशन लीवर के ऊपर लिखी हुई है। अब एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन आपको सीधा समझ आते भी नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ओके तो मलेस है 10 kg, यानी लीवर का कोई कैंसर हो सकता है। ओके ठीक है तो यहाँ पर जो मल्टीपल मेटास्टैटिक लीजन्स नजर आ रही है, और जो लीवर का जो कैंसर होता है वो किस रूट से फैलता होता है? वो हिमाटोजिनस सपरेट से होता है, वेन्स के जरिए होता है। ओके ठीक हो गया, हिमाटोजिनस सपरेट से होता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? मेटास्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा होगा। ओके जो एडिनोमा कार्सिनोमा होते हैं लाइक कोलोन के, पेनक्रियास के, स्टोमा के, वो भी आ सकते होते हैं। जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है वो सजेस्ट कर रही है कि क्या चीज़ है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म सजेस्ट कर रही है कि कोई ना कोई हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है। ओके और जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट होती है डैट मीन्स कि वो इंडिकेट करेगी कि कोई पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम है, क्योंकि कहीं और से चीज़ प्रोड्यूस होकर लीवर के पास आ रही है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम ऐसे सिंड्रोम या सिप्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनको हम लोकल ट्यूमर की लोकल या डिस्टेंट सेपरेट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या उन हार्मोन से जो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं करते थे उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है वो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। ठीक है और असल में जो लीवर के पास जो कैंसर आया था वो कहीं और से आया था, मेटास्टाइज करते हुए आया था, लाइक कोलन का सकता है, पैनक्रियास का सकता है, स्टोमक का सकता है। ओके बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जो एंजियोसार्कोमा होता है ये किस केमिकल से होता है? तो ये होता है विनाइल से, विनाइल क्लोराइड से। ठीक हो गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 66 ईयर ओल्ड मैन विद क्रोनिक कफ, कफ है और एपिसोड ऑफ हिमोप्टिसिस है, फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई एब्नॉर्मल फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन 6 cm मास राइट लंग के अंदर है, 6 cm काफी ज्यादा बड़ा है। नियोप्लास्टिक स्क्वेमस सेल है। जो मेटास्टेसिस होता है लंग्स का वो किस जगह पे मौजूद हो सकता होता है? तो जो लंग्स का जो मेटास्टेसिस होता है वो हाइलर लिम्फ नोड में आ सकता होता है। जो कार्सिनोमा होता है वो किससे पहली बार फैलते होते हैं? कार्सिनोमा फैलते होते हैं लिम्फोजीनस सपरेट से, लिम्फोजीनस सपरेट से। ओके जबकि हिमाटोजीनस होता है वो आगे होता है सार्कोमा के लिए। ओके ठीक हो गया तो लिम्फ नोड्स है, तो लिम्फ नोड्स को आपने यहाँ पर टिक कर लेना होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है कि एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करेगी कैंसर डेथ के ऊपर, तो पता चला कि जो नंबर ऑफ डेथ है पता नहीं क्या लिखा हुआ है। कौन सा न्यूप्लाज्म मोस्ट लाइकली टू बी आइडेंटिफाइड बाय दिस स्टडी है? ओके तो कौन सा न्यूप्लाज्म होता है? तो कहते हैं कि अगर आप हेलिकोबैक्टर पायलोरिक इन्फेक्शन को रिड्यूस कर दो या डायट्री कार्सिनोजन को रिड्यूस कर दो, तो इस केस में हेलिकोबैक्टर पायलोरिक का इन्फेक्शन काफी ज्यादा ना होने के बराबर होता है। ओके लेकिन इसका जो एग्जैक्ट रीजन अभी भी हमें पता नहीं है, तो इस एमसीक्यू में बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन जो कैंसर न्यूप्लाज्म रिलेटिवली जो कम हो रहा था पॉपुलेशन के अंदर, स्पेसिफिकली डिवेलप पॉपुलेशन के अंदर, तो वो गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा है, क्योंकि जो डिवेलप कंट्रीज होती है उनमें अच्छी मेडिकेशन होती है, तो हेलिकोबैक्टर पायलोरिक वगैरह को मिनिमाइज कर सकते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है कैंसर डेथ की. ओके, तो नंबर ऑफ डेथ एक पार्टिकुलर कैंसर की बढ़ रही थी. अब जो बढ़ रही है डेवलप नेशन के अंदर, तो जो बढ़ रही होती है यानी मेल्स के अंदर 30% और फीमेल की, तो ज्यादा तो जो डेथ होती है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो वो किसके वजह से होती है? वो लंग्स के कैंसर की वजह से होती है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की वजह से होती है. तो एक रट्टा मार लो, जबकि मेल के अंदर ज्यादा कॉमन कैंसर प्रोस्टेट का होता है, फीमेल में ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट का होता है. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म की गई है 50 ईयर से ज्यादा बंदों के अंदर, तो डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो इसके वजह से कैंसर डेथ किसकी वजह से कम हो सकती है? ओके, तो 50 ईयर से अबव है, तो यहाँ पर पहला तो प्रोस्टेट आना चाहिए था, दूसरा ब्रेस्ट का. ठीक है, तो जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन होता है, खासतौर पर मेनोपॉज वुमेन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 है, अब ये हॉलमार्क ऑफ कैंसर की तरफ आना शुरू हो गया. अभी तो हमने एपिडेमियोलॉजी ऑफ कैंसर वगैरह को देख लिया था, तो अब हम हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर की तरफ आ जाते हैं. तो एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन थी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पास्ट 6 वीक से खराब हो रही है, सिटी स्कैन में 6 सेंटीमीटर मैस है जुजिनम के अंदर, लैप्रोटमी परफॉर्म की गई है, तो स्मॉल बोवल को रिसेट किया गया, फ्लो साइटोमेट्रिक एनालिसिस किया गया, तो वहाँ पे बी लिम्फोसाइट की प्रोलिफरेशन है और वो भी एस फेस के ट्रांजिशन काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, तो पहली बात की कैंसर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, तो ये कैंसर इंडिकेट कर रहा है बर्किट लिम्फोमा को, और बर्किट लिम्फोमा के अंदर 20 सेल का ट्यूमर होता है. ओके, ठीक हो गया, बर्किट लिम्फोमा के अंदर MYC जीन की ट्रांसलोकेशन होती है. ओके, और जो ट्रांसलोकेशन है उसको रट्टा मार लो, 8 to 14 है, 8 to 14 ट्रांसलोकेशन होती है. जो MYC जीन है DNA को बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन होगी ग्रोथ रिलेटेड फैक्टर की, यानी MYC DNA पे बाइंड करेगा और ये ग्रोथ फैक्टर की अपरेगुलेशन कर देगा, लाइक साइक्लिन D1 है, ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, साइकिल को प्रोलिफरेट करवा देती होती है. ठीक हो गया, जिसकी वजह से सेल साइकिल एक्टिवेट हो जाएगी, तो बेस्ट ऑप्शन है MYC. ओके, जो EGF लिखा होता है, और हाँ मैंने कितनों को कर दिया, तो EGF है. ओके, तो ये करता क्या है, ये एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को इनकोड करता है, जो कि सेल की सरफेस के ऊपर पड़ा होता है, लाइक HER2. HER2 किसके अंदर होता है? ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, इसकी अपरेगुलेशन करा देता है. इसके बाद है P53 और APC. जो P53 और APC है, दोनों के दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है. ओके, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, जो बहुत सारे कैंसर के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं, लाइक कोलोन कैंसर के अंदर. और जो RAS है, ये उनको जीन होता है, ये वो जीन है जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन को इनकोड करेगा. जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ी होती है, ये भी बहुत सारे कैंसर के अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन एक्वायर कर लेगा. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाती है. अ 50 ईयर ओल्ड फीमेल हैज इजी फटीगेबिलिटी एंड नोटिस्ड आ ड्रैगिंग सेंसेशन इन द एब्डोमेन फॉर द पास्ट 5 मंथ है. फिजिकल एग्जामिनेशन पता चला कि वही फेब्राइल है, स्प्लीनोमिगैली है, लेकिन लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती. लेबोरेटरी एग्जामिनेशन पता चला कि उसे WBC काउंट 2500 से कम हुई पड़े हैं. ओके, डिफरेंशियल काउंट 64 न्यूट्रोफिल है. ठीक है, थोरस डिफरेंशियल काउंट मिला गया है. बोन मैरो बायोप्सी की गई है, तो आपको कैरियोटिपिक एनालिसिस ने बताया कि 922 ट्रांसलोकेशन हुई है. ओके, इससे पहले तो हमने ट्रांसलोकेशन 814 की देखी थी, लेकिन यहाँ पे जो 922 की ट्रांसलोकेशन होती है, तो एक इसको इंडिकेट करती है क्रॉनिक माइलोसिटिक या माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML, रट्टा मालो 922, जबकि 814 किसके लिए थी, वो होती है बर्किट लिम्फोमा के अंदर. ओके, अब जो ट्रांसलोकेशन होती है, ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, स्पेसिफिकली BCR और ABL फ्रीएन जीन है, BCR ABL फ्रीएन जीन है, उसके नॉन टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी को बढ़ा देती होती है. ओके, ठीक हो गया, अब इसके अंदर सही जवाब क्या ढूंढना है. अब चूंकि नॉन टायरोसिन काइनेज वाला कुछ यहाँ पर चक्कर है, टायरोसिन काइनेज वाला, तो हमें एंटीबॉडीज यूज करनी पड़ेगी. स्पेसिफिकली ड्रग्स होती है, लाइक इमाटिनिब है, जिनके आखिर में टिनिब आता है, इमाटिनिब, तो टिनिब टी से टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर. ओके, टिनिब है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर होता है. ओके, अब यहाँ पे लिखा कि ऐसे एजेंट जो कैस्पेस को एक्टिवेट करते हैं, कैस्पेस एपोप्टोसिस के अंदर आ जाते हैं. ओके, तो हम ये BCL2 ओवर एक्सप्रेशन में कराते हैं, किसके अंदर कराते हैं, BCL2 ओवर एक्सप्रेशन में कराते हैं. ठीक है, ओके, इसके अंदर हमारा BCL2 क्या है, एंटी अपोप्टोटिक है या प्रो अपोप्टोटिक है, इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में देना है. इसके बाद एंटीबॉडी बाइंडिंग टू द EGF, जो EGF होता है, या हम कह सकते हैं कि जो रिसेप्टर होते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के, वो कौन कौन से होते हैं, ERBB2 है, ERBB2 है और HER2 होते हैं, और ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आ जाते हैं. ERBB2 और HER2 है, ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. इसके बाद डिलीवरी ऑफ P53 है विद वायरल वैक्टर्स है.
ठीक है, तो जो P53 की डिलीवरी होती है किसी भी कैंसर के अंदर ठीक नहीं हो सकती। इसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ बीटा कैटेनिन टू द न्यूक्लियस होती है, तो ये क्लोन कैंसर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे क्लोन कैंसर के अंदर जिसमें APC ट्यूमर सप्रेसर जीन की लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर एक डायग्राम बनाई पड़ी है उन्होंने, और डायग्राम वाले सवाल बड़े गंदे होते हैं। लंप है राइट ब्रेस्ट के अंदर, ओके, 2 सेंटीमीटर मास फिक्स्ड अंडरलाइंग टिश्यू बीनीथ एरियोला, नॉन टेंडर लिम्फ नोड है राइट एक्सिला के अंदर, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है कैंसर की, ब्रेस्ट एक्सीएन की गई है, तो नेक्स्ट 6 मंथ में दोबारा से लिम्फ नोड की इलाजमेंट हो गई है, और सिटी स्कैन ने बताया है कि जो नोड्यूल है इस बार लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर और ब्रेन के अंदर चले गए हैं। ओके, तो ये फाइंडिंग किसकी बताई है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा की बताई हुई है, जो इनफिल्ट्रेटिंग डक्टल और इंट्रा डक्टल कार्सिनोमा होता है। ओके, ठीक हो गया, तो जो ERBB2 होता है, ERBB2 इसकी एम्पलीफिकेशन हो गई है, ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑनको जीन वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब इसको हम देखते होते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से, किस किस तरह से देखते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से देखते होते हैं, और इसके अलावा फिश से देखते हैं, फ्लोरिसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन होती है। ओके, ठीक हो गया, इसके बाद कुछ और एग्जांपल भी लिखी हुई है, लाइक BRCA और ABP बरका, और इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, P53 है। अब P53 जैसे म्यूटेशन होती है जो आगे कैंसर वगैरह करवा सकती है, ब्रेस्ट का कैंसर करवा सकती है, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53 से वजह से भी बहुत सारे कैंसर हो जाते हैं, जबकि BRCA ABL इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया होता है, 9 और 22 है। ओके, 9 और 22, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर बताया गया है कि जो मदर थी 5 ईयर ओल्ड बॉय की, उसका एब्डोमन इनलार्ज हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन में इल डिफाइंड एब्डोमिनल मास है, 9 सेंटीमीटर है, द रीजन ऑफ रेड एड्रिनल ग्लैंड है, मास रिमूव किया गया और माइक्रोस्कोपी के लिए देखा गया कि हाइपरक्रोमेटिक सेल होते हैं। आगे साइटोजेनिक एनालिसिस के अंदर पता चला कि डबल माइनस और होमोजीनियसली स्टेन्ड रीजन होते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली अल्टरेशन टू दिस फाइंडिंग है, अल्टरेशन टू दिस फाइंडिंग होती है, डबल माइनस है और होमोजीनियसली स्टेन्ड न्यूक्लियस आते हैं, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डबल माइनस हम लिख लेते हैं, डबल माइनस और इसके अलावा होमोजीनियस स्टेनिंग है। ओके, होमोजीनियस स्टेनिंग होती है, रीजन होती है, रिप्रेजेंट करती है कैरियोटाइप, ऐसा कैरियोटाइप जो कि जीन एम्पलीफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जीन एम्पलीफिकेशन होती है, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन एग्जाम्पल कौन सी आएगी, यहाँ पे एग्जाम्पल आएगी NMYC जीन की, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। ओके, NMYC जीन की, इसकी वजह से न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूरोब्लास्टोमा हो जाएगा, और न्यूरोब्लास्टोमा नर्वस सिस्टम का कैंसर होता है। ओके, जो BCL और हम कह सकते हैं BCL1 और BCL2, ये वो जीन होते हैं जो कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर म्यूटेटेड होते हैं। ओके, जबकि इंटरल्यूकिन 2 की म्यूटेशन होती है, ये टी सेल न्यूप्लाज्म के अंदर आ जाती है, रास होता है, बहुत सारे कैंसर में आ जाता है। जो LYN है, LYN किस में आती है, इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टेट्स के अंदर आ जाती है। अब लास्ट MCQ इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि 35 ईयर ओल्ड सेक्शुअली एक्टिव वो मैंने रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया गया, तो कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग नहीं होती, पैप स्मेयर ऑब्टेन किया गया पैल्विक एग्जामिनेशन के लिए, तो साइटोलॉजिकली जो सेल्स थे उनमें एपिथेलियल डिस्प्लेजिया नजर आ रहा था, लाइक हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लिगेंस है, तो कौन सा थेरापेटिक ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। ओके, अब ये हाल मार्क में से MCQ लेते हैं और उसका थेरापेटिक ऑप्शन पूछ लिया। अब जो एपिथेलियल डिस्प्लेजिया होता है, ओके, या सीवियर डिस्प्लेजिया होता है, वो कार्सिनोमा करवा सकता है, दैट इज द की रीजन फॉर पैप स्मेयर। ठीक है, तो पैप स्मेयर क्यों करते, ताकि हम डिस्प्लेजिया को रूल आउट कर दें। ओके, ठीक हो गया, जब रूटीन पैप स्मेयर करते हैं तो सर्विकल कैंसर या कार्सिनोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब ये जो डिस्प्लेजिया होता है तो वो किससे होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ओके, ठीक हो गया, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे हम, एक्सीजन कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को ब्रीच नहीं किया उसने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सर्जिकल एक्सीजन कर देंगे, बाकी कोई भी ऑप्शन इतना ठीक नहीं बनता। तो हमने 20 तक MCQ को सॉल्व कर लिया है, तकरीबन इसके 60 MCQ है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड मारेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।